हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूँ जिसको कोई परिचय का मोहताज नहीं है। उस व्यक्ति को हर इंसान जानता है और जो उसकी मोटिवेशनल पावर है, जो समझाने का तरीका है, अगर उनकी आप स्पीच सुन लें तो बिना मोटिवेट नहीं रहेंगे। अगर आप कुछ चीज़ों से बिल्कुल हार गए हैं, उनकी मोटिवेशन सुन लेंगे, वह क्या पूछना है। ऐसे शख्सियत का नाम जो है मुनव्वर जमा है, जो नालगोड़ा 100 किलोमीटर हैदराबाद के दूरी पर रहते थे। वहीं के उनके दादा और वालिद भी थे। वालिद उनके फार्मासिस्ट थे, सरकारी गवर्नमेंट में थे, और वो भी अपने लड़का को चाहते थे कि वही काम में आवे। उनका घर पर भी क्लिनिक चलता था और उनकी फार्मासिस्ट तो थे, लेकिन उनकी जो इतनी अच्छी हाथ की सफाई थी या दवा देते थे, लोगों को शिफा मिल जाती थी। और वो भी चाहते थे कि हमारा लड़का जो है कामयाब हो, इसी लाइन में हो। घर के क्लिनिक होने के कारण वो भी फार्मासिस्ट हुए, मुनव्वर जमा जी भी फार्मासिस्ट हुए, और उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिल गया। फार्मासिस्ट के साथ साथ उन्होंने बीएससी भी किया था और उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से वह नहीं कर पा रहे थे, नहीं बात कर पा रहे थे वैसा जैसे और लोग वहाँ के डॉक्टर्स बात करते थे, जो कि वो सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े थे, लेकिन वहाँ की कहने में उनको हेजिटेशन होती थी। वहाँ के बाद उन्होंने हैदराबाद में ही इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया और उसके बाद रमज़ान के महीने में सन 2007 में उन्होंने पहला अपना स्पीकिंग बैच, इंग्लिश स्पीकिंग बैच स्टार्ट किया 300 बच्चों के साथ। और दूसरा बैच जब प्रारंभ किया तो 500 बच्चे हो गए। इस तरह उनकी जो सक्सेस मिलती गई वो आगे बढ़ते गए और करते गए। वो जिनको मोटिवेट कर देते थे वो उनके मोटिवेशन से इतना मतलब प्रभावित हो जाते थे कि वह आगे चलकर बहुत से लोग कामयाब भी हुए, हाउस एकेडमी के सीईओ भी हुए और संस्थापक भी रहे। उनको बहुत से भी अवार्ड मिले और वो हर तरह के लोगों को अपने टीम के साथ 19 राज्यों की यात्रा की और हर तरह के लोग, जैसे विद्वान, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पुलिस, मतलब सभी लोगों को, यहाँ तक कि पेशेवर लोगों को भी अपने प्रशिक्षित किया। जैसे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह के बहुत से लोग, बहुत से उन्होंने अवार्डों से भी नवाजा गया। 2011 में राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। 2012 में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी क्रम में 2013 में इंडियन आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा गया। 2016 में आइडियल टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया और 2019 में बहुत से अवार्ड से इनको नवाजा गया था, अवार्ड फॉर एक्सीलेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि किस किस तरह से इनकी एक बहुत ही प्रेजेंट टाइम्स की एक स्पीच है, उसको थोड़ा सा अंश लिया गया है, तो देखा जाए कि इनकी जो स्पीच है कैसा है, कैसे लोग मोटिवेट। हमारे 40,000 उलमा ने देश के लिए जान दी है, लेकिन मुनव्वर जमा ने क्या किया है, आपने क्या किया है, आपके अब्बू ने क्या किया, मेरे अब्बू ने क्या किया। कब तक हम लोग ताजमहल पे ही नाश करेंगे, हम लाल किला पे ही नाश करेंगे, हम वो दौर गया खिले वले बनाने के, आज किरदार बनाना है। आपको हेल्प करने कोई नहीं आएगा, खुद खड़े होना पड़ेगा आपको। कोई गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करेगी, गवर्नमेंट करती जरूर है, खत्म खुदा की याद रख लें। गवर्नमेंट की मदद लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड होती है। मौजूदा भी गवर्नमेंट
या माजी में जो भी गवर्नमेंट गुजरी या मुस्तकबिल में आने वाले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, वो 150 करोड़ इंडिविजुअल्स भारतवासियों के घर घर जाकर मदद नहीं करने वाले हैं। आपको खुद खड़े होना पड़ेगा। जो इंसान खुद फैसले करता है वही कामयाब होता है। यही आवाज मुनव्वर जमा की है। मैं आपके दिलों तक पहुंचना चाहता हूं। हमारा कंट्रीब्यूशन देश के लिए क्या है? हम खुद तैयार नहीं है देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए। यह बहुत अच्छा है कि हमारे 40,000 उलमा ने देश के लिए जान दी है, लेकिन मुनव्वर जमा ने क्या किया है? आपने क्या किया है? आपके अब्बू ने क्या किया? मेरे अब्बू ने क्या किया? कब तक हम लोग ताजमहल पे ही नाश करेंगे? हम लाल किला पे ही नाश करेंगे? हम वो दौर गया खिले वले बनाने के। आज किरदार बनाना है, पर्सनालिटीज डेवलप करना है। वो दौर था जो ताजमहल बनाए, नाश किए, हम लोग आज भी नाश करते हैं, लेकिन हम क्या, आज हमें ये जरूरी है खुद को बनाना है। क्या आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं? डॉक्टर एपीजे कलाम साहब घरों में जाकर पेपर डाला करते थे, जरूरी है। गुर्बत में जिंदगी गुजरी थी। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एनजीओ डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के घर पे गए? ये उम्र बेटा किताब पढ़ने की है, ये उम्र अखबार घरों में डालने की नहीं है, ये पैसे कमाने की उम्र नहीं है। कोई एनजीओ गया उनके पास में? नहीं गया। जो जिद अंदर थी कुछ बनने की, वो बनकर पूरे दुनिया वालों को दिखाए हैं। आपको हेल्प करने कोई नहीं आएगा, खुद खड़े होना पड़ेगा आपको। कोई गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करेगी। गवर्नमेंट करती जरूर है, खसम खुदा की याद रख लें, गवर्नमेंट की मदद लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड होती है। मौजूदा भी गवर्नमेंट या माजी में जो भी गवर्नमेंट गुजरी या मुस्तकबिल में आने वाले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, वो 150 करोड़ इंडिविजुअल्स भारतवासियों के घर घर जाकर मदद नहीं करने वाले हैं। आपको खुद खड़े होना पड़ेगा। मिसाल लें डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की, क्या रिसोर्सेस थे उनके पास में? घर घर जाकर नहीं थे, फिर कैसे बने? ऐसे बने वैसा कोई बनी नहीं पाया। लेकिन जब खुद सारे हिंदुस्तानियों के दिलों में राज किए, खुद से हम ये काम नहीं करेंगे, वो बनना है तो हम ऐसी सुन्नतें हमको उठना होगा में और करना पड़ेगा। दो तीन साल ने कभी बन के आते तो पूछते आज कोई त्योहार है क्या? जो भी क्यों दो साल ने बनाए हैं? अगर हम कोई हजरत उमर की सुन्नत, सारी सादगी की जिंदगी गुजरती थी और लग जाए, प्रेसिडेंट बन के वापस गए तो क्या लेके गए? किताबें लेके गए, अवार्ड्स लेके गए, उसके अलावा और कुछ नहीं था। मिसाली जिंदगी आपने जी है, इसलिए मैं कहता हूँ वो तमाम ऐसे 50 स्कॉलर्स को, लीडर्स को अगर बुलाए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बुलाकर कहें कि हमारा टाइप हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, हमें 10 लाख डॉक्टर्स देने हैं पूरे दुनिया वालों को, आपके कम्युनिटी से जो इकरा के एम्बेसडर्स हैं आप लोग, जो अल्लाह ने कहा पढ़ इकरा, कामयाबी का फार्मूला आपको रसूल अल्लाह ने दिया है, हमें 10 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है। सारे कंट्रीज को सर्व करना है, मुस्लिम कम्युनिटी से हमें 2 लाख डॉक्टर्स चाहिए। क्या तैयार है? आवाज दे नौजवान बच्चों, हमारे लीडर्स क्या दे सकते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हर स्टेट्स के बड़े बड़े लीडर्स को बुला लिया, बुलाकर हमारा टाई अप नासा से हुआ है, हमें साइंटिस्ट चाहिए 1 लाख, 1 लाख मुस्लिम साइंटिस्ट दीजिए, हम जवाब देना चाहते हैं। कोई है हमारे पास 1 लाख साइंटिस्ट? और हम तंज करते हैं, एब्सोल्यूट राइट है आपका, तंज करें, हक मांगे, लेकिन हक मांगते हुए पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी है। हमें अपना मकाम बनाना है, खड़े होना है, हमें अपना जलवा दिखाना है। वो कैसे? उसका फार्मूला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, इकरा पढ़, तालीम हासिल कर, इल्म हासिल कर। लेकिन हम लोग जिंदगी पूरी तंज करने में गुजार देते हैं, हुकूमत के जो है चीजें दिखाने में, नुक्स दिखाने में जिंदगी गुजारते हैं। एब्सोल्यूट राइट है, दिखाएं, हक है, बताएं, लेकिन उससे भी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो खुद को हम बनाएं। और हमें बनाने में कोई एनजीओ नहीं आएगा हमारे पास में, कोई लीडर नहीं आएगा, कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी, हमें खुद खड़े होना है, हमें खुद बनना है। जो इंसान खुद फैसले करता है वही कामयाब होता है। इंडिविजुअल्स को बनाना है और करोड़ों में बनाना है, 1-2 को नहीं, सबको बनाना है। यही आवाज मुनव्वर जमा की है। मैं आप तो आपने देखा जिस तरह इनकी स्पीच है, यह देखकर कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों की हमारे देश में बहुत ही कमी है। अगर अगर हैं तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें।
सबक है।